हेलो एवरी वन वेलकम टू एग्जाम प्रेशर माई सेल्फ एडवोकेट तनुजा सो आज की हम नो योर लॉ सीरीज़ में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करेंगे uh, मैंने अपने इससे पहली सीरीज़ में डिस्कस किया था डाउरी डेथ को उसी के कनेक्शन में उसी को फॉरवर्ड करने के लिए मैंने uh, इस वीडियो का टॉपिक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लिया है ताकि आपको और क्लियर तरीके से समझ में आए कि डाउरी उस uh, पिछली वीडियो में मैंने एक uh, बेसिक आइडिया दिया था कि डाउरी क्या होता है अब इस वीडियो में हम उसे जानेंगे कि एक्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो लेट्स मूव सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में क्या क्या मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके अलावा इस एक्ट को लाने की ऐसी क्या ज़रूरत थी ऐसी क्या सिचुएशन में ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया एंड लास्टली हम इस एक्ट से रिलेटेड क्रिटिसिज्म के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी जिसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें आ, आ, आप इससे ज़रूर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लेजिस्लेटर्स ने एक स्पेशल एक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त में इस ईवल को कर्व करना कितना ज़रूरी हुआ होगा उस वक्त में अगर हम हिस्ट्री में जाए तो जो स्त्री धन था वही बाद में एज अ डाउरी सिस्टम निकल के बाहर आया पहले के टाइम में माँ बाप अपनी लड़कियों को कुछ ऐसा गिफ्ट वगैरह देते थे ताकि अगर कभी भी उन्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े अगर उनकी स्थिति खराब है तो वो से वो यूज़ कर सकें बट लेटर ऑन ये इट बिकेम अ कंपल्शन ऑन द फैमिली ऑफ अ गर्ल कि उन्हें Uh, अपनी लड़की की अगर शादी करनी है, तो उसके लिए उन्हें दहेज देना पड़ता था ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न्स है जिसकी वजह से इंडिया में गर्ल्स को कहीं ना कहीं बर्डन और लड़कों को असर समझा जाता है एंड इवन जो फीमेल फ्यूटिसाइड का रेट भी जो इतना ज़्यादा है इट इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड इट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो अभी भी जब हम गांव जाते वी आर टू सिस्टर तो उनके नज़र में ना वो चीज़ ऐसे दिखती है कि अरे भाई नहीं है लड़का होना चाहिए लड़कियाँ तो ऐसे चले जाते हैं जो आज की डेट में भी काफ़ी प्रवलेंट है जब हम डाउरी uh, प्रोहिबिशन एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन टू जो कि डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ डाउरी अकॉर्डिंग टू दैट गिविंग और एन अग्रीमेंट टू गिव प्रॉपर्टी और एनी वेल्यूबल सिक्योरिटी फ्रॉम वन पार्टी ऑफ मैरिज टू अनदर पार्टी ऑफ मैरिज इन कनेक्शन ऑफ़ मैरिज इज कॉल्ड डाउरी इट कैन बी बिफोर द मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज अगर अब हम इसे इजी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है कि आ, शादी के से पहले या शादी के वक्त या शादी के बाद अगर कोई कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल या इमूवेबल हो मूवेबल में आता है गहने या फिर आ, कोई भी फर्नीचर एक्सेट्रा इमूवेबल में आता है कोई भी फ्लैट या ज़मीन और वेल्यूबल सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एफडी का पेपर है या कोई भी विल है अगर एक पार्टी शादी शादी की एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है तो ऐसी ऐसी चीज़ को हम डाउरी कंसिडर करेंगे बट जो मेहर होता है वो डाउरी में नहीं आता दैट विल बी डेल्ट अंडर द मुस्लिम लॉ सो आइए अब हम इसमें आ, उन सेक्शंस की बात करते हैं जो कि पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है उसमें आता है सेक्शन थ्री सेक्शन फोर सेक्शन फोर ए एंड सेक्शन सिक्स ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सो so, सबसे पहले सेक्शन थ्री को जानते हैं जो कि कहता है गिविंग टेकिंग और अबैटिंग फॉर टेकिंग द डाउरी इज अ पनिशेबल ऑफेंस मतलब दहेज देना दहेज लेना या फिर किसी को दहेज लेने के लिए उकसाना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप इन तीनों में से कुछ भी करते हैं तो इसके लिए पाँच साल कम से कम पाँच साल तक की सज़ा या फिर पंद्रह हज़ार का ज़ुर्माना या जितना भी दहेज का अमाउंट है जो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो पे करना पड़ेगा सो so, आइए अब जानते हैं सेक्शन फोर में फ़ोर क्या कहता है सेक्शन फ़ोर कहता है कि अगर कोई भी ऐसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज की डिमांड होती है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है उसके लिए कम से कम छः महीने तक की सज़ा जो कि बढ़कर दो साल तक हो सकती है उसके अलावा फ़ाइन भी उसके साथ साथ हो सकता है Uh, इसमें एक और पॉइंट uh, है इस सेक्शन में कि ये सेक्शन ये नहीं कहता कि सिर्फ लड़के वाले ही डिमांड दहेज की कर सकते हैं ये ये भी कहता है कि लड़की वाले भी कर सकते हैं जो कि आजकल के सिचुएशन में रेलेवेंट नहीं माना जाएगा रेलेवेंट नहीं है माना क्या जाएगा है नहीं कि लड़की uh, वाले लड़के से दहेज मांग रहे शादी करने के लिए प्लस इसमें ये भी बोला गया कि दहेज या तो डायरेक्टली हो फॉर एग्जांपल डायरेक्टली लड़के ने कह दिया कि शादी के लिए लड़की वाल लड़की वालों से बोला कि शादी के लिए दस लाख रुपए चाहिए इस तरीके की डिमांड इनडायरेक्टली ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करता है कि अगर आपने हमें फ़्लैट नहीं दिया तो हम शादी नहीं करेंगे तो वो भी इसी वो भी पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन फोर ऑफ दी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन सेक्शन फोर ए ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बेसिकली uh, बैन लगाता है ऐसे एडवर्टीजमेंट पे जो कि डायरी से रिलेटेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लड़की वाला ऐसा कुछ भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है कि आप मेरी लड़की से शादी करेंगे तो आपको इतने लाख का दहेज या uh, जो भी अमाउंट है आपको दूंगा, या फिर कोई भी लड़के वाला इस तरीके का विज्ञापन निकालता है तो ऐसी स्थिति में इट इज़ एन ए पनिशेबल ऑफेंस इसके लिए छः महीने से लेकर के दो साल तक की सज़ा का प्रावधान है या फिर पंद्रह हजार तक का जुर्माना भी हो सकता है आइए हम सेक्शन सिक्स की बात करते हैं जो जो कि बेसिकली डाउरी के इनहेरिटेंस की बात करता है इसमें दो कंडीशंस हो सकती है कि जब वाइफ जिंदा है या फिर वाइफ की डेथ हो गई है अगर वाइफ ज़िंदा है उस कंडीशन में जो भी उसे प्रॉपर्टी मिली है फ्रॉम हर पेरेंट्स साइड या फिर उसके हस्बैंड के पेरेंट्स की तरफ से वो उसी के पास होनी चाहिए और अगर उसके पास नहीं है किसी और व्यक्ति के पास है तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे विद इन थ्री मंथ्स में वो सारी प्रॉपर्टी वाइफ को हैंड ओवर कर दें अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में छः महीने से लेकर के दो साल तक की सज़ा का प्रावधान है और पाँच हज़ार से लेकर के दस हज़ार तक का जुर्माना भी हो सकता है दूसरी कंडीशन आती है कि जब वाइफ़ की डेथ हो जाती है उस आ, उसमें भी दो सिचुएशंस हैं एक उसकी डेथ अगर नेचुरल नेचुरल सरकमस्टांसिस में होती है या फिर आ, दूसरी अगर उसकी डेथ अन नेचुरल में होती है अगर उसकी महिला की डेथ नेचुरल सरकमस्टांसिस में हो रही है उस केस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी को आ, दिया जाएगा लाइक उसके हस्बैंड एंड उसके चिल्ड्रन में डिवाइड किया जाएगा और अगर उसकी डेथ अननेचुरल सिचुएशन में होती है ऐसी स्थिति में उसकी प्रॉपर्टी को उसकी जो भी डाउरी से रिलेटेड प्रॉपर्टी वो उसके पेरेंट्स उसके बच्चे को पहले जाएगी अगर बच्चा नहीं है उस स्थिति में पेरेंट्स को जाती है या फिर बच्चा बहुत छोटा है तो उस स्थिति में कोर्ट एक ट्रस्टी को अपॉइंट करती है जो कि उस प्रॉपर्टी को बाद में उस बच्चे को हैंड करेगा सो आइए अब हम जानते हैं कि जितने भी ऑफेंसेस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दिए गए हैं वो किस टाइप के ऑफेंसेस हैं सो सेक्शन एट इसको डिफाइन करता है कि जो भी ऑफेंसेस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दिया गया है वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें बेसिकली बेल कैन नॉट बी क्लेम एज अ राइट दोज आर दी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विच मीन्स दे आर सीरियस इन नेचर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वॉरेंट एंड दीज आर नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर मतलब इन सभी केसेज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता सो so, uh, अब इसमें अगला सेक्शन आता है एट सेक्शन एट ए जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है इन द नॉर्मल कंडीशन जो भी पार्टी असर्ट करती है किसी भी ऑफेंस को बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे uh, uh, मतलब बेसिकली होता है बट इन द केस ऑफ ऑफेंसेस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बर्डन ऑफ़ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है ऑन द पार्टी जो कि डिनाइल में है अब ये उस पार्टी को प्रूफ करना होता है कि उसने ऐसा नहीं किया है सो so, आइए अब हम उन एक्सेप्शंस को जानते हैं जो कि अगर आ, गिफ्ट की श्रेणी में आता है ना कि डाउरी की श्रेणी में सेक्शन थ्री में कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देता है एट द टाइम ऑफ मैरिज या बिफोर और आफ्टर द मैरिज वो डाउरी के कैटेगरी में नहीं आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो वो उसे कस्टमरी नेचर है उसे लाइक सोने की चेन दे दिया है कुछ इस तरीके का गिफ्ट देता है तो वो डाउरी की कैटेगरी में नहीं आएगा बट इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि उसके लिए हमें स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पेरेंट की कैपेसिटी केवल दस लाख रुपए देने की है और वो उस वक्त पचास लाख रुपए दे रहा है तो उस स्थिति में वो डेफिनेटली फोर्सफुल गिफ्ट होगा और वो डाउरी की ही श्रेणी में फॉल करेगा इसके एक्सेप्शन में ये भी प्रोविजन दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग द गिफ्ट आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें कि ये मेंशन हो कि सारे आ, मतलब आपने क्या क्या गिफ्ट दिया और किस किस ने शादी के वक्त या बाद या उस वक्त या उससे पहले क्या क्या गिफ्ट्स दिए गए बट ये एक मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है मतलब इसके लिए कोई भी पेनल्टी अवेलेबल नहीं है इसको मेनली ऐसे आ, वैसे तो कई पॉइंट्स पे ये एक्ट क्रिटिसाइज़ हुआ है बट इसमें आइए मैं दो तीन पॉइंट्स को बता देती हूँ कि इसमें मेन क्रिटिसिजम्स क्या क्या आए थे उसमें पहला क्रिटिसिज्म था कि ये दोनों ही पार्टीज को पेनलाइज करता है लाइक जो देने वाला है और लेने वाला इससे कोई भी पार्टी कोर्ट तक नहीं जाती है उसके बाद आता है कि केवल इन कनेक्शन टू अ मैरिज को ही डाउरी के रूप में लेता है फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी लड़के के घर उसकी बहन की शादी और उस अपनी बहन की शादी में देने के लिए वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है कि वो अपने घर से लाए, तो दैट दैट गिफ्ट विल नॉट बी कंसिडर इन कंसिडर्ड एज इन कनेक्शन ऑफ मैरिज तो वो यहाँ पे लैक करेगा ये एक्ट उसके बाद आता है कि इसमें जो लिस्ट है उसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया है कि जो गिफ्ट्स की लिस्ट को मैंडेटरी है उसे पेनलाइज नहीं पेनलाइज़ नहीं किया गया है उस केस में भी ये अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा पार्टीज़ के लिए कि उस टाइम पे उन्हें क्या क्या मिला था डैट्स एट फॉर टुडे वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया हो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है मैं डेफ़िनेटली हर सेक्शन पर तो नहीं गई बट मैंने ये कोशिश की कि आपको एक ओवरऑल व्यू समझ में आए कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट मेनली क्या कहता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर सेक्शन वाइज ऐसे पढ़ाऊँ तो वो भी ऐसे, ऐसे मैं कर सकती हूँ बट अभी की सीरीज़ में मैं चाह रही हूँ कि हर एक टॉपिक को ऐसे ओवरऑल व्यू के तौर पर जो कि सबको समझ में आए ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ आप लोगों ने इतने कम टाइम में मेरे को ऐसे बहुत मोटिवेट किया है कि ऐसी वीडियोज़ मैं और लाऊँ एंड कीप शावरिंग योर लव ऑन मी एंड डू शेयर लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल थैंक यू सो मच